1962 में आई शम्मी कपूर और कल्पना की फिल्म प्रोफेसर। गुलबदन फूलों की महक कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। जॉय मुखर्जी और साधना की फिल्म आई एक मुसाफिर एक हसीना, इसका संगीत दिया था ओपी नैयर ने। हुजूर आप आए, कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए, बहुत शुक्रिया। एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा। 1962 में देवानंद और साधना की फिल्म आई असली नकली, इसका संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा, पर मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा, अरे मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा, एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा, एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा, अरे मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। 1962 में विश्वजीत और वहीदा रहमान की फिल्म आई 20 साल बाद, संगीत दिया था हेमंत कुमार ने। अब क्या अशोक कुमार, मीना कुमारी और प्रदीप कुमार की फिल्म आई आरती, इसका संगीत दिया था रोशन ने। इंसान बन गई है किरण महताब की, अब क्या मिसाल दूं। माला सिन्हा और मनोज कुमार की फिल्म आई हरियाली और रास्ता, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। शम्मी कपूर और शकीला की फिल्म आई चाइना टाउन, इसका संगीत दिया था रवि ने। बार बार देखो हजार बार देखो के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा, ताली हो बार बार देखो हजार बार देखो के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा, ताली हो। देवानंद और वहीदा रहमान की फिल्म आई बात एक रात की, इसका संगीत दिया था हेमंत कुमार ने। शम्मी कपूर और माला सिन्हा की फिल्म आई दिल तेरा दीवाना, इसका संगीत दिया था शंकर जयकिशन। दीवाना है सनम दिल तेरा, दीवाना है सनम, जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, मोहब्बत की कसम, दिल तेरा दीवाना है सनम।
मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। साकिया आज मुझे नींद नहीं। गुरुदत्त ने पेश की मीना कुमारी के साथ मिलकर साहेब बीबी और गुलाम, इसका संगीत दिया था एस डी बर्मन ने। रात गुजर जाएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगावे। सुनील दत्त और मीना कुमारी की फिल्म आई मैं चुप रहूंगी, संगीतकार थे चित्रगुप्त। माला सिन्हा और धर्मेंद्र की फिल्म आई अनपढ़, इसका संगीत दिया था मदन मोहन ने। प्यार की आबरू वो जफा करे मैं वफा करूं, जो वफा भी काम ना सकी तो वही कहे कि मैं क्या करूं, है इसी में प्यार की आबरू। '63 की फिल्म फेयर की खास बात ये रही कि साहेब बीबी और गुलाम को मिले 8 नॉमिनेशन और 20 साल बाद को मिले 7 नॉमिनेशन। साहेब बीबी और गुलाम और 20 साल बाद दोनों फिल्मों को मिले 4-4 फिल्म फेयर पुरस्कार। बेस्ट एक्ट्रेस के लिए मीना कुमारी को मिले 3 नॉमिनेशन, फिल्म आरती, फिल्म मैं चुप रहूंगी और साहेब बीबी और गुलाम। लेकिन बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला मीना कुमारी को फिल्म साहेब बीबी और गुलाम के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए महमूद को मिले 2 नॉमिनेशन, फिल्म दिल तेरा दीवाना और राखी। 1963 की बेस्ट फिल्म का पहला नॉमिनेशन मिला 20 साल बाद को, दूसरा नॉमिनेशन मिला फिल्म राखी को। 1963 की बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया साहेब बीबी और गुलाम को। जो प्रेमी या प्रेमिकाएं विरह की आग में भस्म हो रहे हों, रुक क्यों गए, आगे पढ़िए ना जी। या जिनके मिलन में अड़चने या बाधाएं हों। 1963 के फिल्म फेयर के लिए बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया 20 साल बाद को, दूसरा नॉमिनेशन मिला महबूब खान को फिल्म सन ऑफ इंडिया। लेकिन बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर मिला अबरार अलवी को फिल्म साहेब बीवी और गुलाम के लिए। बढ़ाना नहीं चाहता था इसलिए। बातें ना बनाइए, उस दिन आपने मुझसे पूछा था ना भंडार से रसद कौन निकालता है, आपका ख्याल था मैं ही आपको खाना कम देती हूँ, है ना? जी जी मैं तो। मैं पूछती हूँ आपके लिए कम रसद क्यों निकालूंगी भला, क्या बैर हो सकता है मुझे आपसे, आपको पेट पर खाना खिलाने के सिवा मेरा आपका संबंधी क्या है। 1963 के बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेशन मिला शम्मी कपूर को फिल्म प्रोफेसर, दूसरा नॉमिनेशन मिला गुरुदत्त को फिल्म साहेब बीबी और गुलाम के लिए। 1963 के बेस्ट एक्टर के लिए चुना गया अशोक कुमार को फिल्म राखी के लिए। जो कुछ हुआ है सबके साथ हुआ, तुम अकेले तो नहीं? अरे अकेला होता तो कोई बात नहीं थी, तू भी साथ है ना। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? हाँ, एक रास्ता बंद होता है तो 100 और खुल जाते हैं।
1963 की बेस्ट एक्ट्रेस के लिए 3 नॉमिनेशन आए, तीनों मीना कुमारी को मिले। पहला फिल्म मैं चुप रहूंगी, दूसरा फिल्म आरती और तीसरा फिल्म साहेब बीवी और गुलाम। 1963 की बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला मीना कुमारी को फिल्म साहेब बीवी और गुलाम के लिए। पति किसी का भी ख्याल ले रहा, तुम चुप रहो। बड़ा चला है नसीहत करने, मुझे पति को ख्याल नहीं तो और किस पत्नी को है बता दो। पति को पाने के लिए मैंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, अपने अपने ये शोधा दुलाल तक को भुला दिया मैंने, और तू कहते मुझे पति का ख्याल नहीं। कैसे कही तूने ये बात, कैसे कही तूने ये बात, बोल कैसे कही तूने ये बात। 1963 के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया महमूद को फिल्म राखी के लिए। दूसरा नॉमिनेशन मिला रहमान को फिल्म साहेब बीवी और गुलाम के लिए। 1963 के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए फिल्म फेयर दिया गया महमूद को फिल्म दिल तेरा दीवाना। आपकी तारीफ? राम कसम, आज तो तोहर तारीफ करे को जी चाहता। ये मुछिया मुड़ाए के बिस्वा बदल के बहुत खूबसूरत लगा था। ये ला, इसे रगड़ जा। रगड़? केला खाते हैं, रगड़ते नहीं, और मेरे पास पैसे नहीं है। ओए है, जैसे तू रोज तिजोरी खोल देते रहे। मुंह खोल, मैं खिलाए देती हूँ। नहीं, आज तो बहुत नखरा करा था, पिछले 3-4 रोज कहाँ रहा। कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? कहाँ कह सका तू, तुम्हारी हमारी बात किसे ना ही मालूम, और तो और तो हर जरुआ को भी मालूम। जरुआ? बहन मेरी कोई जरुआ नहीं। हाय दैया, शर्म नहीं आया था हमरा के बहन कह तोता जसम जरुआ से इतना डरा था तो इतनी बेसर में से हमार किला क्यों खा था। अजीब मुसीबत है, मान ना मान मैं तेरी मेहमान, जाओ जाओ जाकर कोई और दूसरा बेवकूफ ढूंढो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा और कहूंगा जबरदस्ती मेरे गले पड़ती है। बुलावा बुलावा, बहुत देखा ने ऐसे पुलिस बुलावे वाले। अरे ये अखिया किसी और को दिखावा, हम तोहर जोरुआ नहीं है कि तोहर जूती भी खाए और तोहर जूती चाटी भी। अरे कौन है मेरी जोरू, तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? मैं बताती हूँ तू कौन है। आपकी तारीफ, ये कौन है? ये राम। अरे ओ मोहल्ले वालों, ए शांता ए शांता। हाय राम, मेरा खसम मेरे से पूछता मैं कौन हूँ। 1963 की बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का लिए नॉमिनेशन मिला ललिता पवार को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का दूसरा नॉमिनेशन मिला वाहिदा रहमान को फिल्म साहेब बीवी और गुलाम। 1963 की बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर दिया गया शशिकला को फिल्म आरती के लिए। जसवंती, ओहो कच्ची बात कही तो आग लग गई। मत खाओ मेरी बला से, भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ेंगे तो मैं पकड़ने नहीं आऊंगी। नमस्ते बहन जी, आपने तकलीफ क्यों की? और करती भी क्या, बड़े घर की लड़की के आगे बूढ़े ससुर जी से लेके दूध पीते बच्चे तक एक टांग पे खड़े हैं, मैं किस गिनती में हूँ भला। अच्छा दीजिए। हाँ पी ही लो तो अच्छा है, ठंडी हो गई तो फिर मेरी शामत। जसवंती, अगर आओगी इस घर में तो 2 दिन में आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। अभी तो तुम्हारी कीमत 1.25 लाख है और मेरी 2 कौड़ी। तुम्हारे हाथ में जादू और मेरे हाथ में झाड़ू। 1963 के बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया शंकर जयकिशन को फिल्म प्रोफेसर के लिए। Bye.
ना हमको सताओ। लता मंगेशकर को मिला बेस्ट फीमेल सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म 20 साल बाद। सी वी मूर्ति को मिला बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म साहेब बीबी और गुलाम के लिए। मुझे सुखी करना चाहती हूँ। तुम मन से तो शराब छोड़ दो छोटी बहू, इसे छोड़ दो। बहुत ही सत्यानाशी नशा है, छोड़ दो। मैं क्या करूं जी, मुझसे नहीं छूटती।